नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रोलॉजर हेमंत रैना आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ और सुखी हैं। तो दोस्तों, हमारी जो श्रृंखला चल रही है, राशियों की श्रृंखला चल रही है, 5 राशियां हमने कवर कर ली हैं। आज जो बारी है, आज 6ठी राशि की है। तो आज जो राशि आती है वो राशि है कन्या राशि। कन्या राशि का कैसा स्वरूप है, क्या तत्व है, क्या इसके गुणधर्म है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका प्राकृतिक स्वरूप कैसा होता है। दोस्तों, जब इसको हम देखते हैं आकाश में, तो ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक सुंदर सी कन्या जो कि कुंवारी है वो खड़ी हुई है। देखिए, एक कुंवारी कन्या अपनी लाइफ में जब वो शादी के लिए आगे बढ़ना चाहती है तो वो एक स्थायित्व चाहती है, एक सिक्योरिटी चाहती है। वही चीज़ कहीं ना कहीं इन जातकों के अंदर पाई जाती है। ये किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले एक सिक्योरिटी चाहते हैं। यही गुणधर्म से मैंने रिलेट करके आपको बताया कि कन्या राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है। एक कन्या तब तक रिलेशन में नहीं आएगी जब तक उसे ये नहीं लगेगा कि इस संबंध में ठहराव होगा। सेम वे में अगर हम कन्या राशि के जातकों की बात करें तो वो भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। वो तब तक किसी रिलेशन में नहीं आते जब तक उनको ऐसा नहीं लगता कि इस रिलेशन में आगे ठहराव होगा या नहीं होगा। इसका एक रीज़न मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे ये लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ये किसी रिलेशन में तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक इनको ये ना लगे कि सामने वाला इंसान या सामने वाला व्यक्ति इनके साथ रिलेशन में हमेशा रहने वाला है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये संवेदनशील हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि अगर वो अलग हो जाएंगे तो ये नहीं रह पाएंगे, और ये हकीकत है। ये एक बार संबंध में आने के बाद किसी के बिना या जिसके साथ वो हैं उसके बिना नहीं रह पाते हैं। मधुरता इनकी वाणी में देखी गई है। दूसरी चीज़ ये भी है, जितने ज़्यादा ये भौतिकवादी होते हैं, जितने ज़्यादा ये भौतिकता की तरफ आकर्षित होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये लोग आध्यात्मिक देखे गए हैं। तो इनके अंदर आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों चीज़ जो है देखी जाती है। कहीं ना कहीं इसीलिए इसको द्विस्वभाव की राशि भी बोला जाता है। तो दोस्तों, ये था एक पॉइंट। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे हम अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि है इसका तत्व। तो इसका तत्व मैंने आपको बताया, तत्व होता है इसका पृथ्वी। पृथ्वी तत्व की ये राशि है। स्थायित्व इसके अंदर होता है, पाया जाता है। ये किसी भी उद्देश्य में आगे बढ़ने से पहले उसके प्रोस कॉन्स, या अगर हम बात करें उसके नेगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स, सब कुछ ये कंफर्म करके फिर किसी उद्देश्य को बनाते हैं या अपनाते हैं। या किसी व्यक्ति के साथ भी अगर मैं बात करूं, इनके संबंध तभी बनते हैं जब ये उसके प्रोस कॉन्स सब चीज़ें देख लें। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये एक दूरदर्शिता वाली राशि है। ये दूरदर्शी होते हैं, ये दूर की चीज़ें देखते हैं, सोचते हैं, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाते हैं। तो ये बहुत अच्छा गुण है, इसकी वजह से ये सिक्योर रहते हैं अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग ये होते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। एक गुण और इनके अंदर देखा गया है कि ये स्वच्छता के बहुत ज़्यादा प्रेमी होते हैं। इनको स्वच्छता चाहिए, ये स्वच्छ रहना पसंद करते हैं। अब ये जो राशि है इसके स्वामी बुध हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर तार्किक क्षमता या बुद्धिमता या इंटेलिजेंसी की अगर बात करें, वो चीज़ें इनके अंदर बिल्कुल पाई जाती हैं। दोस्तों, आप अगर कोई उद्देश्य लेके चल रहे हैं और उसके बारे में अगर आप आगे का रिजल्ट नहीं सोचते, आप सीधे आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कभी ना कभी आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ जाए। लेकिन इस राशि की खासियत ही ये है कि जब तक ये किसी चीज़ को पूरी तरीके से जांच परख नहीं लेंगे, ये आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर लाइफ में जोखिम आने का तो कहीं ना कहीं सवाल ही नहीं उठता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट के बारे में, जो रेखा चित्र इसका होता है वो कैसा बोला जाता है। दोस्तों, आपने कर्सिव राइटिंग में M देखा होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस समय भी इसका रेखा चित्र। ये जो इसका चिन्ह है, ये चिन्ह पाया जाता है। अब ये चिन्ह कैसे इन लोगों को रिलेट करता है, उसमें हम आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस चिन्ह से विद्वानों ने जो चीज़ बोली है उसका ये मतलब निकलता है कि कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से भरे हुए होते हैं। ये लोग मैच्योर होते हैं और इनको अपने साथ लोग भी अपने जैसे ही पसंद आते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से, या जो मैं बात करूँ शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बिल्कुल इनकी तरह हों, इनको वही लोग पसंद आते हैं जो इनको लगे कि इनकी कंपेटिबिलिटी सामने वाले के साथ अच्छी बैठ रही है। ये उन्हीं लोगों में जाना उठना बैठना पसंद करते हैं। आगे बात करते हैं, अभी मैं आपको बता रहा था कि ये रिस्क टेकिंग होते हैं, लेकिन एक लिमिट में, एक दायरे के अंदर ये रिस्क टेकिंग होते हैं। ये रिस्क जरूर लेंगे, लेकिन उसकी भी सही और गलत चीज़ें, प्रोस कॉन्स, उसको ध्यान रख के ही ये रिस्क लेंगे, तभी ये आगे बढ़ेंगे। अब ये स्वभाव इनका ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक लिमिट में रिस्क ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मैंने आपको बताया कि मैच्योरिटी वाली राशि है, तो मैच्योर इंसान रिस्क लेगा, लेकिन सभी चीज़ों को ध्यान रख के ही रिस्क लेगा। दोस्तों, अब जैसे ये राशि कॉन्फिडेंस वाली भी है, बुद्धिमता इनके अंदर बहुत है,
मैच्योरिटी बहुत है, तो इन तीनों चीज़ों को मिला के इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं हमेशा, और अपने लक्ष्य को जो इन्होंने बना लिया, पहले तो ये सारी चीज़ें जान के ही लक्ष्य बनाएंगे कि इनका क्या लक्ष्य होना चाहिए। अगर इन्होंने एक बार लक्ष्य बना लिया, फिर ये उसको पूरा करेंगे हर तरीके से, एक पर्टिकुलर प्लानिंग के साथ, अगर बात करें तो मैच्योरिटी के साथ, और आगे का सब कुछ सोच समझ के। ये लोग अपनी बुद्धिमत्ता से दुनिया को हासिल करना चाहते हैं, या बोलें जीतना चाहते हैं। इनके अंदर एक चीज़ और जो है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि ये लोग धन कमाना चाहते हैं लेकिन ये उससे जुड़ना नहीं चाहते। ये लोग प्यार चाहते हैं लेकिन ये उससे जुड़ना नहीं चाहते। अगर ये चीज़ बोली जाए कि इनको सब कुछ लाइफ में चाहिए, बट ये अटैच किसी से नहीं होना चाहते क्योंकि इनको उस चीज़ से डर लगता है, तो ये कुछ गलत बात नहीं होगी। दोस्तों, ये थे गुणधर्म स्वरूप कन्या राशि के बारे में। तो अगली जो राशि आएगी हमारी, वो आएगी तुला राशि, और आशा करता हूँ आपको आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें, अगर आप इसको यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे पेज को लाइक करें और उस वीडियो को भी लाइक करें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई राशि के साथ, जो कि होगी लिब्रा यानी कि तुला। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।